अच्छा खाना जरूरी है। देखिए असलग, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, बहुत समय से आप बहुत ज्यादा चर्चाओं के अंदर हैं। मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया भी ना कि मल्टीपल प्लेयर्स के साथ आप नहीं रहे, एक आपने लाइनअप बनाई और उन्हीं के साथ आप बहुत समय तक टिके रहे, और अभी भी आप जो बीजेएस 2024 के लिए सेकंड प्लेस तक आप आए, ठीक रहा। पर बीएमपीएस 2024 में आखिर वो गलतियां कहाँ हुई? क्या वो मिड में जो आईजीएल चेंजेस हुए उसकी वजह से, या फिर फ्लो टूट गया, क्या सिचुएशन रही? तो बीजेएस जब खत्म हुआ, बीजेएस के बाद थोड़ा सा पाजी को था कि अब मेरे को और ज़्यादा गेम में ध्यान नहीं देना है, मेरे को अपना पर्सनल लाइफ का थोड़ा वो है। तो उस चक्कर में उन्होंने बोला कि मैं बीजीएमएस नहीं खेलूंगा, तो उसमें हमें फिर आर्किल के साथ खेलना पड़ा बीजीएमएस। तो उसमें ऐसा था कि थोड़े टाइम से हमारी मतलब पूरा फ्लो अभी पाजी के साथ बना हुआ था, तो क्वालीफायर्स तो काफ़ी अच्छे गए थे बीजीएमएस के हमारे, बट फाइनल्स में उतना अच्छा हमारा नहीं बैठा, हमने इतना अच्छे से नहीं खेल पाए, तो रिजल्ट्स तो फिर हमारा बहुत ख़राब आए। तो उसके बाद थोड़ा वो हो गया था, उसके बाद वापस पाजी खेले बीएमपीएस, एंड बीएमपीएस खेले वो, एंड कुछ इशूज़ थे अब जैसे वो मैं बता नहीं सकता। नहीं, आप ऊपर से बता सकते हैं। हाँ मतलब थे, क्योंकि पाजी का भी फिर वैसा हो गया था कि फ्लो हमारा बीच में टूट गया था, कि पाजी भी बीच में खेले नहीं थे, हम भी पाजी के साथ बैठा नहीं था हमारा, फिर वापस हम एक इवेंट के बाद आए एकदम से बिना किसी प्रैक्टिस के, एंड गलती हमारी थी कि हम बिना प्रैक्टिस वगैरह किए वापस उतरे। तो इस चीज़ का बहुत वो होता है रिग्रेट कि शायद कुछ चीज़ें हम बदल सकते थे, बट थोड़ी जल्दी करनी थी वो चीज़ें, ताकि आज बीएमपीएस में हम भी रहते। मेरा तो काफ़ी वो था सब एकदम, बीजेएस जब हैशटैग हुआ तो मेरा बहुत होता कि बीएमपीएस में मैं वापस प्रूव कर दूंगा, एंड लोगों को ये नहीं रहेगा कि भाई किस्मत से आ गया या इनका वो लग गया, बट ठीक है। अभी एक लोग अभी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा तुक्का था ये वो, तो कोई ना नेक्स्ट जो भी मेजर रहेगा, अभी जो हमारे आईजीएल भी अब पता ही है ओमेगा भाई, तो अब हमारे आईजीएल भी क्रेजी मिले हमें।